हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मुँ मधुस्मिता, मुझे पुणि थे स्वागत जनाऊँ मो किचन को। तो मो किचन आज बनाया जाऊँगी दही पखाड़। दही पखाड़ आम ओडिशा बहुत गुड़े टेस्टी रेसीपी जोटा कि बाहर ये खाती है, बहुत ही टेस्टी लगी था खायापी। तो मुझे आपत दही पखाड़ रेसीपी सेयर करी और सहित लगे खायापी मुग भजा, माछ भजा, छतु भजा, पोड़ा टमाटो चटनी, बढ़ी चूरा और आंबूल दोला, एसबूर रेसीपी मुझे आप सहित आज सेयार करी। और जदि ये रेसीपी गुड़ी आपको भल लगे तो मो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करना। मुठी दही पखाड़ गोटे बाउल पखाड़ नहीं भात को मु पूर्वदिन रात पकईक रखी एवं से गोटे चामच दही फाड़े लेंबू पकईने एवं गोटे पैन अल्प तेल पकईबी से सोरस भुर्सुंगा पत्र एवं शुखिला लंका पकईबी या टे भाजी ने दही पखाड़े मुझे ढालदेवी। देखता मुझे ढाड़ ने अल्प लुण पकईदी आगुरी। तो अब माछ भजा करवा मछे मुझे हलदी लुण गोड़े रखी थी एवं गैस लगे मुझे कढ़ई में तेल पकईने तेल बहुत भलसे गरम होगापर ए पकईबी। देखते मछ पक सांगे सांगे ओल्टे कहीं लगि जाए न ओल्टे सांगे सांगे कढ़ई में आपड़ यहीपर भाव मजबे देखिए मछ बिलकुल भी लगभन गोटेपट सैड मैं हो सारे आम ये आउ थे ओल्टईद। देखो कितने सुंदर से मैं पूरा फ्राए हो गला गोटे सैड एवं आरपट सैड भी आम भाजी ना भलसे। देखो मूरा दुपट सैड आम हो गला आउ थे आम ओल्टे ना टी गोटे मिनिटाई खाली एवं हाँ आम गोटे प्लेट को काढ़ी ना ये मो कटा पिज और कंचा लता आगर रखिदे। देखते मजा आम प्रस्तुत हो गला पखाड़ी एवं मो आलू बघरा करी। आलू बघरापाई मु दुई तीन टी आलू को सीझे नहीं एवं लुण पकई चकटी दिली एवं कड़ई में मुझे 10 ग्राम तेल आड कली, शुखिला लंका दुईटी आड कली, कटा प्याज आड कली एवं हाँ टे भाजी ने अल्प टिके हलदी पकईदेली मु ब्राउन है प्याज भजा आम से चकटा आलू पकईनबा और स्लो फ्लेम आम दुई तीन मिनिट पर्यंत भलसे बघारी ना। एवं से मुझे अल्प धनिया पत्र आड कली या भलसे गोड़े दे कि गोटे पाउल को काढ़ी नेली। देखो आलू बघरे भी आम के सुंदर देखा जाऊँगी। एबे आमे छतु भाजिबा एठी मु छतु को भलसे काटिक धोई नहीं कढ़ई में 10 ग्राम तेल आड कली से दुईट शुखिला लंका आड कली एवं से मुझे कटा प्याज गोटे आड कली प्याज को टिके ब्राउन हवा जाए आम भाजिबा। देखते प्याज आम ब्राउन हो सारे एवं से मुझे छतु को आउ टे चिपुड़ी पकईली कहीं छतु में पा बहुत अब्जर्व करें से मुझे गोटे चामच हलदी गुंड स्वाद अनुसार लुण पक भलसे गोड़ नेबी एवं या टे घोड़ेदेवि जमीक मशरूम्र पा टे बाहरी। देखो मशरूम्र पा बाहरी गलानी आ मशरूम भलसे आम हो जाए गोटे टमाटो पकईवा टमाटो सीझिला टी आम छतु को काढ़ी ना से धनिया पत्र पकईक। देखो टमाटो भी आम सीझीगला और पा सब मरी जाए धनिया पत्र पकई ना और यह गोटे बाउल को काढ़ी ना। देखो मो मशरूम भी बनई ने बढ़ी यहाँ हूँ बिरी बढ़ी मो माँ बनई एबे कढ़ई में आम तेल पकईवा तेल भलसे गरम होगापर आम बढ़ी टी भाजी ना। बढ़ी बहुत टेस्टी होई था मत तो बहुत पसंद आपण मैंने मत कमेंट्रे कहे आपको केमी लगे। देखो आम बढ़ी भजा हो गला आम ए गोटे कुटार रसुण कंचा लंका धनिया पत्र अल्प टिके लुण स्वाद अनुसार दुई तीनो सोरस गोटा सोरस अल्प टिके बहुत भल लगी था टेस्ट बढ़ी चेर पकड़े आ गोटे बुंदा सोरस तेल यह आम भलसे कुटी ना। देखो मुझे कुटी ने पूरा भलसे एवं से गोटे गोटे करके बढ़ी पकईबी आपड़ यह ग्राइंडर भी करें शिलरे भी करें एमती कुटा जी आपर अच्छे ये बहुत सहज और टेस्टी होता है। देखो यहीपर भाव आप बढ़ी चूरा बनई ने बढ़ी चूरा आम हो गला प्रस्तुत आम यह गोटे बाउल को काढ़ी ना। एबे आमे साग भाजिबा साग को मुझे काटिक धोई नहीं एबे सोरस तेल आम दुईट शुखिला लंका अल्प टिके रसुण छिजा पकईद यह टिके ब्राउन होगापर आम से शाग पकईनवा यहाँ कोसला शाग तो ये डेम्फ थाए से लगे मुझे घोड़ेगी आपड़ टे लुण पकईने स्वाद अनुसार और गोटे मिनिट जाए घोड़े ने जो डेम्फ गुड़िक सीझापी गोटे मिनिट पर देखो आम शाग टिके खेल नवा आम टे पा मरवाई शाग आम संपूर्ण रूप प्रस्तुत हो गला आम गोटे बाउल को काढ़ नवा। एबे मु टमाटो चटनी करी तो से गोटे टमाटो को मुझे गैस पोड़ी नेली
देखते टमाटो आम बहुत भलसे पोड़ सारे आम यहाँ काढ़ी ना गोटे बाउल को चोपा गुड़िक आम एम छड़े ना एवं से लुण रसुण दुईट तीन टी गोटे कंचा लंका एमती आम पकईक यहाँ भलसे दली ना देखते मु टमाटो चटनी करी एबे आमे आंबुल चटनी बनई ना आंबुल चटनी पे मुझे दुईट रसुण गोटे कंचा लंका अल्प टिके लुण नहीं एबे हाँ भल से मुझे चकटी ने अल्प टिके पानी दे कि देखो आम आंबुल चटनी रेडीगला देखो आम दही पखाड़ा रेडी सब आइटम मजा आंबुल दला टमाटो दला बढ़ी चूरा छतु भजा शाग भजा और दही पखाड़ा जदि ये रेसीपी गुड़िक आपल लगी मो चेल्टी को निश्चित सब्सक्राइब करना। थैंक यू।